बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बात दरअसल ये है कि जो बातें मैं आपको बतलाना चाह रहा हूँ वो इस वक्त बहुत ही गैर मारूफ है, किसी को पता नहीं है, तो इसलिए मोस्ट लाइकली बड़ा मसला उम्मत मुस्लिमा को दरपेश है। वो ये है कि हम लोगों ने सर तस्लीम खम कर दिया है अहले मगरब के सामने और ये समझ लिया है कि उनके सारे उलूम बहुत बेहतरीन किस्म के हैं और इसलिए इस वक्त हमारे लिए रास्ता यही है कि उनको उनके उलूम को सीख लें ताकि हमारी तरक्की हो जाए। तो ये बात दरअसल गलत है क्योंकि इस वक्त हमारी तरक्की का दारोमदार अभी भी वही है जो 1400 साल पहले था। 1400 साल पहले एक अजीबोगरीब हैरत अंगेज़ वाक़या हुआ दुनिया में, जिससे किसी को इनकार नहीं कि दुनिया में सबसे बैकवर्ड्स कौम अरबों की, जिसके सामने ये रोम और फारस और चीन और मिस्र और बड़े बड़े सिविलाइजेशंस थे जो उनसे अरबों से हर जहत में आगे थे, यानी उनके पास रीडिंग राइटिंग फलसफा टेक्नोलॉजी जो भी तहजीब तमद्दुन जो भी सोच लें उसमें ये सारी सिविलाइजेशंस अरबों से बहुत आगे थे। अरबों के पास यानी बहुत प्रिमिटिव लोग थे, सहरा में रहते थे और ज़्यादा उनको मालूमात नहीं थी। तो अल्लाह ताला ने उनके पास एक ऐसा पैगाम भेजा जिसके इब्तदाई में फरमाया कि इक़्रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक, इक़्रा बिरब्बिकल अकरम लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लम अल इंसान मा लम यअलम। ये बहुत हैरत अंगेज़ इब्तदा है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से पूरी कौम को पढ़ने का पैगाम दिया जा रहा है और कलम के इस्तेमाल का, क्योंकि ये लोग जो हैं वो सीना पसीना चलाते थे। और ये कि अल्लाह ताला ने तुम लोग इंसान को एक ऐसे उलूम सिखलाएंगे जो कि उनके पास नहीं थे पहले। तो ये उलूम क्या थे इसकी तो खैर एक तरफ रख देना चाहिए क्योंकि हमें ये जन है, हमें ये गुमान है, हमें ये वहम है कि ये उलूम हम तक पहुँच गए हैं, मगर उन उलूम के असरात देख लेने चाहिए कि असरात क्या होगा कि ये दुनिया की सबसे बैकवर्ड्स कौम दुनिया के सबसे एडवांस्ड लीडर्स बन गए और 1000 साल तक मुसलमानों का सारे आलम पे गिरफ्त रही, लीडरशिप रही, डोमिनेंस रहा, गलबा रहा। तो अब इस हकीकत से तारीख़ी से किसी को इनकार नहीं, सबसे सारे तारीख दानियों ने एक किताब है द 100 जिसमें तारीख के बड़े बड़े लीडर्स को शुमार किया गया है। तो नंबर 1 हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिया गया है कि उनका तारीख पे इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा था, तो इससे तो किसी को इनकार नहीं है। जो सवाल है वो ये है कि वो जो उलूम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए थे वो आज के ज़माने के लिए भी रेलेवेंट हैं या नहीं है। तो इस बारे में अहले मगरब का ये कहना है कि
वो उलूम अपने ज़माने के लिए बहुत मौजूं और मुनासिब थे और इसी वजह से अरबों की इतनी हैरत अंगेज़ तरक्की हुई। मगर आजकल का बहुत मॉडर्न ज़माना है और हर चीज़ बदल गई है, इसलिए अब जो है वो उलूम इस ज़माने के काम के नहीं, और इस ज़माने में अगर हमें तरक्की करनी है तो हमें मॉडर्न उलूम सीखने होंगे और अपने इस्लाम को भी एक दबियानुसी फॉर्म से लेकर उसको एक मॉडर्नाइज करना होगा ताकि वो आजकल के ज़माने में चलने के लायक हो जाए। तो ये गलत फहमी बहुत सारे मुसलमानों को है, बल्कि यूँ कह सकते हैं कि अक्सरियत मुसलमानों की इसी धोखे में मुब्तला है, क्योंकि अगर हम बिलीफ्स के बजाय एक्शंस की तरफ जाएं तो हम ये देख रहे हैं कि सारी की उम्मत जो है वो मगरबी उलूम के हासिल करने में लगी हुई है और इस्लामी उलूम की तरफ कोई तवज्जो नहीं, क्योंकि ये सब तो दो गलत फहमियाँ के बारे में, एक तो ये हमें पहले ही से हासिल है इसलिए इसको हासिल करने की ज़रूरत नहीं, और दूसरी ये कि इसमें ज़्यादा मेहनत करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जिन लोगों ने यानी हमारे आबा अजदाद ने इसमें महारत हासिल की थी तो देखो उसका क्या फ़ायदा हुआ उनको। तो इसलिए प्रैक्टिकली स्पीकिंग हमारा तजुर्बा ये बतलाता है कि इसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं। तो बात यह है कि एक नहीं बेशुमार धोखे और गलत फहमियाँ हैं जो कि हमारे दिमाग में हमारे दिलों में डाल दिए गए हैं, और उन सब का तज्जिया करना और उसको निकालना बहुत लंबा काम है। तो मैं कोशिश करूंगा कि एक मुख्तसर तौर पे जो बुनियादी बातें हैं उनका एक जायज़ा ले लूं। तो सबसे पहले तो यानी हमारी तो जो मगर मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ जो इन सारी बातों के पीछे है और निचोड़ है और जो इम्पॉर्टेंट है, मेरा मकसद इस सारी बात से क्या है, वो ये है कि अभी भी इस्लाम की तालीमात में वही जादू है, वही ताकत है जो 1400 साल पहले थी। अगर हम इस पैगाम को आज भी समझ जाएं तो आज भी हमारे लिए ये वो वही काम कर सकता है जो उसने 1400 साल पहले किया था। यानी कि इस वक्त उम्मत जो है वो हर सूरत में हर हाल में सबसे पीछे पड़ गई, बिल्कुल जैसे 1400 साल पहले था कि अरब सारे अकवाम से पीछे रह गए थे। तो इस वक्त हमारे भी यही हाल है कि बहुत सारे पैमानों के एतबार से हम सारी दुनिया से पीछे रह गए हैं, और आज ये हमें धोखा लगा हुआ है कि तरक्की का रास्ता यही है कि मगरबी उलूम हम सीखेंगे तो फिर हम तरक्की कर जाएंगे, और ये गलत फहमी है और इससे कभी भी हमारे मसले हल नहीं होंगे। और जैसे कि जो हल है के बारे में कहा जा सकता है कि वही चश्मे बका था जिसे सब सराब समझे। वो जो पुरानी बातें हैं जो कि सबको मालूम है, उन्हीं को उन्हीं की गहराई में उन्हीं के अंदर वो जान है जो कि आज हमारे मसलों को हल कर सकती है, मगर इस बात को लोग समझ नहीं पा रहे। और हमारी जो मरूबियत है वेस्ट से वो इसको देखने दें, क्योंकि हम लोग वो हमारे इस बात को समझने नहीं देते, क्योंकि आज कल भी हमें रॉस्टाउज मॉडल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ पढ़ते हैं। और रॉस्टाउ मॉडल क्या है? रॉस्टाउ ने बेसिकली इंग्लैंड की तरक्की का तज्जिया किया कि इंग्लैंड ने पहले कहाँ पे था, फिर उसने उसके 7 स्टेजेस बनाए कि शुरू में ऐसा हुआ, फिर बाद में ऐसा हुआ, फिर बाद में, और फिर अगर यही है स्टेजेस तरक्की, जो भी तरक्की करेगा वो इसी रास्ते पर चल के आएगा और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो चुनांचे पहले
कोल होगा, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा, उसने तो 300 साल तरक्की का रास्ता। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि हम इसमें 300 साल लगाएं तो हम भी तरक्की कर जाएंगे, और हमारे सामने आंखों के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है जिस पे 30 साल में जो है वो अरब कौम ने आधी दुनिया को फतह कर लिया था। इसका कोई तजिया नहीं कर रहा था कि आखिर ये कैसे हो गया, वो कौन सी बात थी जिसकी वजह से ये कौम जो कि सबसे बैकवर्ड थी उसने 30 साल के अंदर अंदर सारी दुनिया पे छा गए। क्या वो मैसेज हमारे पास है? अगर हमारे पास मैसेज होता तो हम भी ये काम कर सकते थे, ये कारनामा कर सकते थे। अगर वो मैसेज आज भी वही ताकत रखता है, तासीर रखता है, अगर अहले बगल ने कहा कि नहीं आज इस मैसेज में वो ताकत और वो तासीर बाकी नहीं है, हमने भी इस बात को मान लिया और अब हम जो है वो नए खुदाओं की परस्तिश में लग गए। तो बुनियादी तौर पर यह है कि एक हमें 300 साल से शिकस्त हो रही है मैदान जंग में भी और हर किस्म की, उसकी वजह से हम टूट गए हैं अंदर से और सेल्फ कॉन्फिडेंस जो चाहिए हमें वो ख़त्म हो गया है, और इसकी वजह ये सबसे बुनियादी बीमारी है जो इस वक्त उम्मत के अंदर है कि वो हमें अपने दीन पर, अपने ट्रेडिशंस पर, अपने एंसेस्टर्स पे इतबार नहीं रहा, और बड़ी पैमाने पर हमने फिर ये ख्याल नहीं किया कि उन्होंने जो कुछ भी काम किए थे वो किसी काम के हैं। तो अब इस सेल्फ कॉन्फिडेंस को अगर हम चाहते हैं फिर से हासिल करना, ताकि फिर हमें भरोसा हो कि हमारे अल्लाह ने हमारे पास जो पैगाम भेजा है वो आज भी वही ताकत रखता है, तभी हम इसमें जब हमें इसका यकीन होगा तभी हम इसमें वो इन्वेस्टमेंट करेंगे जो ये मांगता है। जैसे ये वेस्टर्न उलूम हमारे पास पड़े हुए हैं किताबों में, लाइब्रेरी में सब चीज़ें लिखी हुई हैं, तो मगर ये थोड़ी है कि हम उसको फौरन इख्तियार कर सकते हैं, बल्कि उसको हासिल करने के लिए अपनी जान खपानी पड़ती है। इसी तरह से तो वो हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें हमारा ईमान उस पर है कि हाँ ये हमारे लिए राह निजात है, तो इसलिए हम उसमें जान खपाना, सारा दिन पढ़ना, सारी रात पढ़ना, मेहनत करके अच्छे ग्रेड्स लाना, ये सब हम कर सकते हैं क्योंकि हमें एतबार है इस पर, ईमान है। क्योंकि अगर हम एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस पे जाएं तो हम देखते हैं हज़ारों लोग हैं जो ग्रेजुएट्स हैं, जो जॉबलेस हैं, और तो सिर्फ ये यानी ये कोई प्रैक्टिकल और कोई यानी ऑब्जर्वेबल बात नहीं है, बल्कि ईमान ही की बात है कि हमने बग़ैर तजुर्बे के, ठीक है कोई फेल हुआ तो इसके मानिए देखते हैं, कोई फेल हुआ तो इसके मानिए कि उसने पढ़ा सही नहीं था, ये नहीं है कि वो इल्म सही नहीं था। हालांकि हकीकत ये है कि वो इल्म बहुत बुदा है और बहुत जहरीला है और बहुत नुकसानदेह है। वो इल्म जो आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है इकोनॉमिक्स में, उसकी बुनियाद ये है कि हर इंसान खुद गर्ज है, और अगर इसको और फिर ज़िंदगी का मकसद उसमें बतलाया गया है कि मैक्सिमाइज योर लाइफ टाइम कंसम्पशन, तो ये दोनों इंतहा दर्जे की बेवकूफ़ी की बात है। यानी नहीं ये एक मुनासिब गोल है एक ज़िंदगी के लिए, और नहीं ऐसा है कि इंसान ऐसा करते हैं, मगर हमारी मरूबियत की इंतहा ये है कि जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि भाई इंसान जब बाज़ार जाता है तो वो परचेस करता है, तो वो उसके पास एक यूटिलिटी फंक्शन होता है जिसमें टमाटर भी होता है और दही भी होती है और खीरा भी होता है, फिर वो उसको पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालता है, उसके फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस को इक्वेट कर देता है। वो अब हमारी आंखों के सामने है, बुढ़िया बेचारी वो ख़रीद रही है अपना टमाटर, तो वो देखें हम कहते हैं कि देखो ये इसने जो है वो एन बाई एन साइमल्टेनियस इक्वेशन सेटअप कर लिए, और फिर उसको उसने सॉल्व कर दिया, उसको पता चला कि बजट कंस्ट्रेंट वगैरह लगा के जो है वो
उसको 3.5 टमाटर खरीदने चाहिए। तो हम हंसने के बजाय कहते हैं कि अमन्ना सतपना, ऐसा ही होगा, बड़े बड़े लोग ये कह रहे हैं, अपना तजुर्बे से भी इनकार, अपनी यानी मुशाहदे से भी इनकार, सब चीज़ों से इनकार, आंखें बंद करके बस सैम विल्सन पे हमारा एतबार है और किसी चीज़ पे नहीं, चाहे वो हमारी यानी एक्सपीरियंस के ख़िलाफ़ हो, हमारे मुशाहदे के ख़िलाफ़ हो, हमारी अपने यानी इंटरनल एनालिसिस से हम खुद अपने बारे में सोच सकते हैं कि भाई हम कैसी चीज़ें खरीदते हैं, हमें पता है कि ऐसा नहीं होता है, मगर इन सबसे इनकार उस पर एतबार, ये हमारी यानी मरगूबियत की निशानी है कि जो भी मगरब वाले कह रहे हैं बस आमन्ना से तपना। तो हकीकत ये है कि मगरब में यानी जैसे मैंने कहा एक नहीं यानी हज़ारों गलत फहमियाँ हैं जिनको बिल्कुल सच के तौर पे पेश किया जा रहा है। तो एक बात तो ये है कि ये लफ्ज सोशल साइंस ये एक धोखा है, क्योंकि फिज़िकल साइंस का तो कुछ एतबार है क्योंकि उसका हम देखते हैं, ये कंप्यूटर है, ये स्क्रीन है, ये सारी चीज़ें फिज़िकल साइंसेस से बनी हैं, तो इसका यानी हमारे पास एक ठोस सबूत है कि इसमें कुछ जान है। तो सोशल साइंस जो है वो सोशल से मुराद सोसाइटी यानी इंसानों की, और सोशल साइंस से मुराद ये है कि हम साइंस इस्तेमाल करके सोसाइटी को स्टडी करेंगे। तो अब इस लफ्ज़ से ये धोखा पैदा होता है कि जिस तरह से लॉ ऑफ ग्रेविटी है उसी तरह से लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड है, दोनों ही अटल हकीकत है दुनिया की जिसको इनकार नहीं। तो इस्लामिक इकोनॉमिस्ट्स ने इसमें 3 दौर आए, शुरू शुरू में जो पहला दौर था इस्लामिक इकोनॉमिक्स, उसमें जैसे मौलाना मौदूदी थे और उनके टक्कर के कई लोग थे अरब दुनिया में और ईरान में, जिन्होंने तज़िया किया मगरबी माशी तालीमात का और कहा कि ये सब बेकार है, इसमें से कोई चीज़ सही नहीं है, जो बुनियाद कहते हैं स्केयरसिटी की वो हमारे कुरान उसको झुटलाता है कि कहता है कि नहीं अल्लाह ताला का तो फजल जो है वो आम है, तो ये स्केयरसिटी कहाँ से आ गई। तो फर्स्ट जनरेशन ने तो सारे को इनकार कर दिया। अब हुआ ये कि जब उसी ज़माने में फर्स्ट जनरेशन का ज़माना वो था जब देखो वर्ल्ड वॉर वन से पहले तकरीबन 90% ऑफ इस्लामिक मुस्लिम पॉपुलेशन वाज अंडर कॉलोनाइजेशन और सब्जेक्ट टू वेस्टर्न इन्फ्लुएंस इन सम अदर वे। तो पहली जंग अजीम में और दूसरी जंग अजीम में यूरोप ने अपने आप को बिल्कुल ही कत्ल कर डाला, यानी आपस में उनकी लड़ाई हुई। तो ये बात यानी एक तरह से शर्मनाक है कि हमने जो आज़ादी हासिल की वो इसलिए नहीं कि हमने जंग आज़ादी लड़ी, बल्कि इसलिए कि हमारा जो फातह था वो ही इतना खुद शिकस्ता हो गया कि जब हमारे लोगों ने लीडर इंडिपेंडेंस के डिमांड डाले तो उसके पास ताकत नहीं थी कि उसको रोक सके। तो बहरहाल हुआ यही कि तकरीबन यानी 1900 में 90% ऑफ द मुस्लिम एरिया वाज अंडर कंट्रोल, और 19 यानी वर्ल्ड वॉर टू जब कि 44 में ख़त्म हुई तो उसके यानी 1950s तक ज़्यादातर इस्लामी ममालिक आज़ाद हो चुके थे। और तो आज़ादी के बाद फिर ये सोच पैदा हुई कि अब हम ये माशी निज़ाम को तब्दील करें, उसको इस्लामी बनाएं। तो हुआ ये कि चूँकि ये जो आज़ादी थी ये ज़्यादातर जैसे कम से कम पाकिस्तान में भी और उन लोगों ने हासिल की थी जो ख़ुद भी वेस्ट से मरगूब थे, तो वो जो निज़ाम चलाए गए थे
इकोनॉमिक सिस्टम्स के जो कॉलोनाइजेशन के पीरियड में थे वो वैसे ही चलते रहे। तो ये जो आइडिया था, जो इस्लामी निज़ाम है, वो काफ़ी रेवोल्यूशनरी है और तकरीबन यानी 20-25 साल तक एक इंटरनल सी जंग रही, जिसमें मुसलमानों ने ये चाहा कि हम यानी हुकूमत पे कब्ज़ा करें ताकि हम इस्लामी निज़ाम ला सकें, क्योंकि जो हुकूमत पे कब्ज़ा हुआ जहाँ जहाँ हुआ सारी दुनिया में, तुर्की में और मुख्तलिफ ममालिक में, वो सब यानी सिवाय इक्का दुक्का के सिंसियर मुस्लिम्स नहीं थे, बल्कि वो मगरब के मुकल्लिदीन थे। तो उन्होंने जो है वो जो भी निज़ाम था उसको चलने दिया। तो चुनांचे मुसलमानों की तवज्जो इस बात पे अब नहीं रही कि इस्लामी निज़ाम क्या होता है, बल्कि पॉलिटिकल मूवमेंट बन गया कि किसी तरह से हम हुकूमत हासिल करें तब हम सोचेंगे इस्लामी निज़ाम लाने की। तो ज़्यादातर जगहों में ये कोशिश नाकाम रही और चुनांचे 1975 के अवाल में, 1976 में शायद मक्का में कॉन्फ्रेंस हुई, पहली इस्लामिक इकोनॉमिक्स पे कॉन्फ्रेंस, क्योंकि इस्लामिक इकोनॉमिक्स से पहले चला आ रहा था मगर वो एक लैंडमार्क टर्निंग पॉइंट समझा जाता है। तो इसमें जो एक सोच पैदा हुई वो ये थी कि क्योंकि ये निज़ाम तो जैसा है वैसा ही है, ये चलता रहेगा, रेवोल्यूशन वगैरह आ नहीं सकता, तो अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि इस मौजूदा निज़ाम ही को कैसे इस्लामाइज किया जाए। तो ये एक अलग सोच थी, यानी हमारे जो पहला जनरेशन था उसने कहा कि नहीं, ये पूरा जो पूरी बहस मिलती है इस्लामिक इकोनॉमिक्स की, अगर 1950 से 75 ले लें तो उसमें ये बात चल रही है कि एक तरफ कैपिटलिज्म है, एक तरफ कम्युनिज्म है, एक इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम है जो इन दोनों से जुदा है। सारी बहस इस बात पे चलती है कि नहीं, इस्लामी निज़ाम होगा वो कैपिटलिज्म से बहुत बेहतर होगा और कम्युनिज्म से भी बहुत बेहतर होगा, इन दोनों चीज़ों के जो नुकसान हैं वो गिनवाए जा रहे हैं और किताबें अभी भी इस मौजू पर मिल जाती हैं, मगर पिछले 25 साल में इस मौजू पर कोई किताब नहीं मिलेगी, क्योंकि अब हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। हमने कहा कि इस्लाम जो है वो, एक तो ये बात सोची गई कि इस्लाम और कम्युनिज्म जो है ये बिल्कुल ही अपोजिट हैं एक दूसरे के, और इन दोनों में कोई वो आपस में कोई जोड़ नहीं है, तो कम्युनिज्म को तो हम पूरा रिजेक्ट कर दें। और इसकी वजह ये हुई, ये नहीं, कम्युनिज्म बहुत सारी अच्छी बातें हैं, मसलन कम्युनिज्म में जो बुनियादी एक प्रिंसिपल है वो ये है कि फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड, यानी माशरे में ज़रूरतमंदों का ख्याल रखना, ये एक बुनियादी प्रिंसिपल है कम्युनिज्म का, जो इस्लाम से बिल्कुल ही मुताबिक है। तो मगर जो वजह बनी कम्युनिज्म के रिजेक्शन की वो ये थी कि मार्क्स जो है वो एथिस्ट था, रशिया में भी एथिज्म का दौरा था, तो ये एक बुनियादी तौर पे यानी एक फासला पैदा करने वाली बात थी कि ये लोग तो दीन से इनकार करते हैं, मुल्हिद हैं। तो दूसरी बात ये थी कि उन्होंने कॉमन प्रॉपर्टी पे जोर दिया कि जो स्टेट है वो इश्तराकी तो तौर पे एसेट्स को होल्ड करेगा, कैपिटल को स्टेट के नाम पे होगा, क्योंकि जो मार्क्स की एनालिसिस थी वो बहुत सिंपल थी, उसने कहा कि ये जो कैपिटलिस्ट हैं इनके हाथ में बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं और इसको इस्तेमाल करके ये सारे लोगों को एक्सप्लॉयट करते हैं, तो इनसे ये ओनरशिप छीन ली जाए इन बड़ी बड़ी चीज़ों की, वो स्टेट के हाथ में हो और फिर एक्सप्लॉयटेशन ही होगा। तो ये एनालिसिस में कोई ख़ास ऐसा मज़ाक़ा नहीं है और ये इस्लाम के बाद उसूलों के मुताबिक भी है, मगर चूँकि मुसलमानों को ये इलाहाद से चिढ़ थी इसलिए इससे भी चिढ़ हो गई और इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। और इसके बरक्स कैपिटलिज्म से मोहब्बत पैदा हो गई, पता नहीं क्यों। तो कहा मुसलमानों ने कि हमारे यहाँ प्राइवेट प्रॉपर्टी है और कैपिटलिज्म के यहाँ प्राइवेट प्रॉपर्टी है,
और कम्युनिज्म के पास जो है वो स्टेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी है। तो इससे पता चला कि इस्लाम इज इक्वल टू कैपिटलिज्म और इस्लाम इज अगेंस्ट कम्युनिज्म। और ये कहा गया कि इस्लामिक इकोनॉमिक्स इज इक्वल टू कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स, मगर उसमें से इंटरेस्ट निकाल दो तो कैपिटलिज्म माइनस इंटरेस्ट, और फिर उसमें एक रफाही पहलू ये डाल दो कि प्लस ज़कात। ये फार्मूला जो है ये लिखा हुआ मिलता है इस्लामिक इकोनॉमिक्स की किताबों के। हमारा कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है कैपिटलिज्म से, बस वो कैपिटलिज्म है उसमें ज़कात इंटरेस्ट को ख़त्म कर दो और ज़कात डाल दो तो वो इस्लामिक हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि इवन जब हम प्राइवेट प्रॉपर्टी पे आते हैं तो जो प्राइवेट प्रॉपर्टी जो कैपिटलिज्म के अंदर है और जो इस्लाम के अंदर है बहुत ही अलग चीज़ें हैं। एक कुरान में आयत है कि ऐ शुएब, शुएब की कौम कहती है क्या तुम्हारा दीन हमें इस बात से मना करता है कि हम अपने माल के साथ जो हम अपनी मर्जी हो वो करें। तो इस्लाम में प्राइवेट जो वेस्ट में प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इंसान जो है वो एब्सोल्यूट ओनर है, जो उसके पास है उससे जो मर्जी आए करे। अगर उसके पास एक दरख्त है वो उसको आग लगा दे तो कोई उसको मना नहीं कर सकता। इसी तरह से वो यानी उसके इख्तियारात पे कोई पाबंदी नहीं है। इस्लाम में जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये सारी दुनिया अल्लाह ताला की मिल्क है, ये हमें अमानत के तौर पे दी गई है और ये हमारी मिल्क नहीं है। थोड़ी देर हम इसको रखेंगे अमीन के तौर पर और फिर इसको आगे पहुंचा देंगे, यानी हमारे अगली नस्लों के लिए भी ये इस्तेमाल होनी। तो इस वक्त ये जो हम एनवायरमेंटल डैमेज और कैटास्ट्रफी देख रहे हैं उसकी वजह यही बनी कि कैपिटलिस्ट वालों ने शुएब की कौम का मौक़िफ़ अख्तियार किया और शुएब अलैहिस्सलाम का मौक़िफ़ नहीं अख्तियार किया। और यही बुनियादी प्रॉब्लम है जो इस्लामिक इकोनॉमिक्स और कैपिटलिज्म में जो इख्तलाफ है, जो लोगों ने न देखा न पॉइंट आउट किया है कि यानी बस ये प्राइवेट प्रॉपर्टी का नाम को मैच समझ के उन्होंने कहा कि इस्लाम में और कैपिटलिज्म में कोई फ़र्क नहीं। नाम के मैच के बावजूद जो प्राइवेट प्रॉपर्टी इन इस्लाम है वो बहुत मुख्तलिफ नौइयत की है और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी कैपिटलिज्म की है वो बहुत मुख्तलिफ नौइयत की है। तो बात यह है कि ये असल में इसकी यानी सिर्फ एक थियोरेटिकल और आइडियोलॉजिकल वजह नहीं, एक प्रैक्टिकल वजह भी थी। वो प्रैक्टिकल वजह यही थी कि हमें कैपिटलिज्म के साथ जीना सीखने का तकाजा था कि यानी दो ऑप्शंस थे, या तो एक रेवोल्यूशन करें जो कि वायबल नहीं लग रहा था कि रेवोल्यूशन हो, और जहाँ जहाँ कोशिश हुई वहाँ वो नाकाम हुई। कोशिश की गई कई जगह इस्लामिक रेवोल्यूशन लाने की, मगर मुख्तलिफ जगह से हमारे यहाँ इस्लामी जमात फेल हो गई रेवोल्यूशन लाने में। इसी तरह से यहाँ नहीं बल्कि सारी दुनिया में इस्लामी जमातें बनी और उन्होंने कोशिश की और वो सब की सब फेल हो गई। इसकी क्या वजह रही ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है और इसको स्टडी करने की ज़रूरत है, मगर खैर वो हमारे इस वक्त मौजूद बहस नहीं है। तो जब ये कोशिशें नाकाम हुई तब हमने कहा कि चलो फिर कैपिटलिज्म से समझौता कर लेते हैं और इसके साथ ही इसी को तब्दील करने। चुनांचे ये इस्लामिक बैंकिंग जो है वो यही है कि ठीक है असल चीज़ जो कि कई लोगों ने जिन्होंने इस्लामिक बैंकिंग वजह की उन्होंने भी ये बात कही कि हमारा असली निज़ाम तो इससे बहुत मुख्तलिफ है, मगर चलो अब सारी दुनिया में यही चल रहा है तो अब इसी को तरमीम करके इस्लामी बनाने की कोशिश की जाए। तो बात यह है कि ये काम हो नहीं सकता और किया नहीं जा सकता है, क्योंकि वो चीज़ें जिनको हम लोग कॉमन समझ रहे हैं वही कॉमन नहीं है। और ये जिस तरह से प्राइवेट प्रॉपर्टी जो कि वेस्ट में है वो बहुत मुख्तलिफ है इस्लामिक प्राइवेट प्रॉपर्टी से, जैसे मैंने कहा कि ये आइडिया कि हम लोग जो मर्जी आए करें हमें अगली नस्ल की कोई परवाह नहीं करनी है, ये इस वक्त जो है वो एनवायरमेंटल कैटास्ट्रफी का सबब बना है कि हम दुनिया ख़राब कर दें, अगली नस्ल जिंदा रहे या ना रहे या उनको कुछ मिले या ना मिले इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनके यानी कैपिटलिस्ट मौक़िफ़ में। अगर कोई बहुत यानी
खैर खा है, अगर वो अपनी ज़िंदगी में अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज नहीं करना चाहता है, दूसरों के लिए छोड़ना चाहता है, ठीक है उसकी मर्ज़ी, मगर उसकी मर्ज़ी नहीं है तो ना करे। तो ये बुनियाद बनी बहुत सारी ख़राबियों की दुनिया में जो इस वक्त नज़र आ रही हैं हमें। तो ये फार्मूला बहुत बड़ी गलत फहमी पे है, और जिन जिन लोगों ने, एक मैंने पेपर लिखा है रीडिफाइनिंग इस्लामिक इकोनॉमिक्स, जिसमें मैंने पहले तज्जिया किया, तकरीबन मुझे 20-22 डेफिनेशंस मिले इस्लामिक इकोनॉमिक्स के लिटरेचर में, तो उन सब का जायज़ा लेने में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता, मगर सब के सब की एक सिफत ये थी कि उन्होंने ये लिया कि जो इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ द वेस्ट है उसमें से उन्होंने कुछ कायदे कानून उठा लिए और इस्लाम से कुछ कायदे कानून उठा लिए, और डेफिनेशन में कहा कि इस्लामिक इकोनॉमिक्स जैसे स्केयरसिटी को हम ले लिया प्रिंसिपल, और उससे कहा कि इसको दूर किया जाए इस्लामी उसूलों के मुताबिक। तो हमने उनका एक उसूल अख्तियार किया और अपना कुछ उसूल अख्तियार दोनों को जोड़ने की कोशिश की गई। तो मेरा तज्जिया ये हुआ, जो कि मैंने उसमें भी लिखा है और कई और जगह पे, कि जो वेस्टर्न इकोनॉमिक थ्योरी है वो 100% डायमेट्रिकली अपोज टू इस्लामिक इकोनॉमिक थ्योरी है। जो बात वो कहते हैं कि यूं है, हम कहते हैं कि यूं नहीं है, तो इन दोनों में जोड़ पैदा करना नामुमकिन है। तो अगर तो चुनांचे इस्लामिक इकोनॉमिक्स हैज बीन अ फेलियर बिकॉज इट अटेम्प्टेड टू फाइंड अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन टू अपोजिट पोजीशंस। इन दोनों में कोई यानी कॉमन ग्राउंड है ही नहीं, इसलिए इसके बीच में कोई रास्ता निकालना जो है वो मुमकिन नहीं था। जैसे इस्लामिक कॉन्सेप्ट ये है कि अल खिराज बिज़मान, यानी कि जो भी कमाई होगी वो, और ये पैसे के मुतल्लिक है, अगर हम पैसा से इस्तेमाल करके कमाना चाहेंगे तो इसके लिए हमें तजारत करनी होगी और तजारत की रिस्क बर्दाश्त करनी होगी, और जो हमारी प्रॉफिट है वो हमारे रिस्क के बदले में है। अब जो इंटरेस्ट है वो इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट रूल है कि पैसे पर हम चाहते हैं कि पैसा कमाएं बगैर कोई रिस्क लिए। तो चुनांचे ये इस्लामिक बैंकिंग के जो कोशिश की गई वो यही कोशिश थी कि एक तरफ एक उसूल है कि, और ये उसूल जो है जैसे मुशारका से पैदा होता है कि ठीक है आप अपना पैसा डालें तिजारत के अंदर, और अगर वो कामयाब हुई तो आपको फ़ायदा होगा, और अगर वो नहीं फेल होगी तो आपको नुकसान होगा, इसी को कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग। मगर ये नाम तो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग दे दिया गया क्योंकि ये इस्लामिक उसूल था, मगर काम ये कभी भी नहीं हुआ। आपने यानी सारी ज़िंदगी का तजुर्बा है, और प्रॉफिट लॉस शेयरिंग वो ज़्यादा के ज़माने से चल रही है, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं सारे आलम में इस किस्म की चीज़ें ईजाद हुई हैं, मगर एक भी मिसाल नहीं मिलेगी कहीं भी सारी दुनिया में कि किसी को लॉस हो गया हो इसमें। तो ये क्यों? इसलिए कि जो बैंकिंग की रूह है वो ये है कि हम किसी को लॉस नहीं दे सकते और हमारे रिटर्न्स को सर्टेन होना पड़ता है, और पैसे के ऊपर पैसा कमाना बिल्कुल ही यकीनी तरीके से, ये बैंकिंग का बुनियादी उसूल है। इससे हटना जो है वो उनके लिए बहुत मुश्किल है, उसकी भी ज़रा कॉम्प्लिकेटेड वजूहत हैं, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम, इनफैक्ट मेरा जो आज का आर्टिकल है न्यूज़पेपर में उसमें इस बात की तरफ इशारा है, क्योंकि उसकी पूरी तफसील न्यूज़पेपर आर्टिकल में नहीं है। एक्चुअली मैं आजकल एक आर्टिकल उर्दू में है मेरे पास मौजूद, क्योंकि मैंने उलमा के लिए लिखा है, मगर अभी अंग्रेज़ी तर्जुमा उसका मैं कर रहा हूँ। तो ये दो ऑपोजिट प्रिंसिपल्स, एक तरफ यानी सर्टेन रिटर्न प्योरली ऑन मनी विदाउट एनी एफर्ट, ये है कैपिटलिज्म का,
बेसिक उसूल है, और इस्लाम का बेसिक उसूल है कि पैसे के ऊपर पैसा कमाया ही नहीं जा सकता है, वो हराम है, और पैसे से अगर पैसा कमाना है तो उसको तिजारत में लगा के रिस्क लेनी होगी, गोया कि उससे कोई चीज़ करो तो सही, काम तो करो, कुछ तो हो जिसकी बुनियाद पे तुम्हें पैसा मिले। तो एक्चुअली तिजारत में लगाना बहुत बड़ी बुनियाद है, कोई छोटी बात नहीं है, यानी एज लॉन्ग एज यू टेक रिस्क, यानी एंटरप्रेन्योरशिप इसी को कहते हैं। और अगर इस्लामी उसूल पे चलें तो हमारे यहाँ बहुत सारी, यानी ये माइक्रो फाइनेंस और ये बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, जो चोकिंग पॉइंट्स हैं, वो सब ख़त्म हो जाए ऑटोमेटिकली। मगर जो बैंकिंग का सिस्टम है वो इसको होने नहीं देता, और वो इसके ऑपोजिट उसूल्स पे हैं। तो इन्हीं दोनों ऑपोजिट्स के बीच में एक रास्ता निकालने को इस्लामिक बैंकिंग कहते हैं। इसी तरह से जो इस्लामिक इकोनॉमिक्स है वो भी एक वेस्टर्न इकोनॉमिक थ्योरी है, एक इस्लाम के कायदे हैं, और इन दोनों ऑपोजिट्स के बीच में एक रास्ता निकालने को इस्लामिक इकोनॉमिक्स कहते हैं, और दोनों ही इक्वली नाकाम है। यानी दोनों ऑपोजिट्स के बीच में कोई रास्ता निकाला नहीं जा सकता है, एक को छोड़ना पड़ेगा, दूसरे को छोड़ना पड़ेगा। तो जो बेसिक्स हैं इकोनॉमिक थ्योरी के, वो उसको कहा जा सकता है कि इंडिविजुअल लेवल पे सेल्फिशनेस एंड ग्रीड है, कि हर इंसान अपने मफाद देखेगा और हर फर्म अपने मफाद को मैक्सिमाइज करेगी, और सोशल लेवल पे कंपटीशन है, हम एक दूसरे को से कंपीट करेंगे, और इसको कट थ्रोट कंपटीशन भी कहते हैं, मुझे मौका मिला तो मैं तुम्हारा गला काट दूंगा, अब तुम्हें मौका मिला तो तुम मेरा गला काट दोगे, तो ये है कट थ्रोट कंपटीशन। और इसी से एफिशिएंसी पैदा होती है, हर वक्त हर आदमी देखता रहता है किधर से छुरी आ रही है, तो वो फुरती और चाबुक दस्ती दिखलाता है, और जो एफिशिएंट है वो सर्वाइव कर जाता है। मगर होता ऐसा नहीं है असल में, होता ये है कि जो सबसे ज़्यादा बदमाश है वो जीत जाता है, फिर सारी दुनिया में बदमाशी फैलाता है, जो ज़्यादा सिविलाइज लोग होते हैं वो हार जाते हैं इस मुकाबले में। और ऐसा ही हुआ है इस वक्त, जो लोग दुनिया में दंदनाते फिर रहे हैं उससे ज़्यादा, यानी फिरौनी शक्ल किसी ने देखी नहीं है, जो कॉरपोरेशन हैं उन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे कर रखे हैं। जैसे एक मामूली सी मिसाल देता हूँ कि यहाँ बेबी पाउडर कंपनी है, उसके एक एग्जीक्यूटिव ने रिज़ाइन कर दिया एक्चुअली, उसको जब एहसास हुआ कि क्या कर रहे हैं हम लोग। तो वो लोग क्या करते हैं कि बेबी पाउडर जाके मुफ्त औरतों को जो उनके बच्चे हुए हैं वो अस्पताल में देते हैं, और मुझे याद नहीं है 14 दिन की सप्लाई देते हैं, क्योंकि 14 दिन इज़ द अमाउंट ऑफ टाइम नीडेड फॉर द वुमन टू स्टॉप लैक्टेटिंग। तो जब उसका दूध खुश हो जाएगा तो वो मजबूरी क्लाइंट बन जाएगी। तो और उसका असरात ये होते हैं जो कि बहुत सारी स्टडीज से साबित हुए कि यहाँ आम तौर पे, यानी जो एक तो पाउडर बहुत महंगा होता है तो लोग उसको ज़्यादा नहीं देते हैं। मेरी वाइफ जो कि डॉक्टर है, उसने एक 2 साल का बच्चा देखा जो हॉस्पिटल में, जो 6 महीने की उसकी ग्रोथ थी, तो बहुत पूछ गछ किया तो पता चला कि अम्मा दूध पिलाती है, फार्मूला बताती है, सब कुछ सही नज़र आ रहा था, तो समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। उसने कहा अच्छा फार्मूला तो मिलाती कितना, तो उसने कहा कि वो एक चमचा में मिला देती हूँ, वो पूरा दिन एक चमचे पे वो जिंदा कैसे था, क्योंकि बस उससे ज़्यादा उसको देने का वो नहीं था। एक तो ये कि यानी महंगा होता है, लोग उसको कम पिलाते हैं, दूसरा ये कि स्टेरिलिटी की किसी को पता नहीं है, और दूध जो है वो बहुत जल्दी जर्म्स को कैच करता है, और माँ के दूध में खुद ही एंटीबायोटिक्स होते हैं तो वो बच्चे की इम्यूनिटी हो जाती है, मगर इस दूध में कुछ ऐसा नहीं होता है। और वो जो बोतल है उसमें जो जो लिखा होता है और इंस्ट्रक्शन होते हैं वो ये कि एक बोतल को एक बार पिलाओ, फिर जो बाकी बच्चे उसको फेंक दो, 3 घंटे बाद नया फार्मूला बनाओ। अब कौन इसको अफोर्ड कर सकता है, मगर नहीं अफोर्ड करोगे तो उसके अंदर बैक्टीरिया हो गए, और फिर अगर वो बॉयल भी नहीं करोगे पानी को और स्टेरिलाइज भी नहीं करोगे निपल को, तो फिर जो है वो, तो इन वजूहात की वजह से बेशुमार, यानी यू कैन सी के
इन्फेंट मोर्टैलिटी की रेट फॉर बॉटल फेड बेबीज इज मच हायर इन स्पेशली इन दी एलडीसीज़. ये सब चीज़ें यानी वहाँ अमेरिका वगैरह में मैनेज हो जाती हैं चुनाचे बॉटल फेड बेबीज को, कोई मसला नहीं होता है. वो दूध फेंक देते हैं, नया बनाते हैं, स्टेराइज करते हैं, तो मसला नहीं है, हो सकता है. मगर यहाँ नहीं होता क्लिनलीनेस. तो गोया यानी एक आदमी जो ये काम कर रहा है, बेसिकली इट्स द सेम एज किलिंग बेबीज विद योर हैंड, अपने हाथों से बच्चों को कत्ल करना है. तो ये सब यानी तो एक मामूली सी बात है. मगर बात यह है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के उसूल में कोई मामूली सी यानी मोरल रुकावट नहीं है. और बात ये बल्कि फ्रीडमैन ने जो गुरु था यही फ्री मार्केट का, उसने यही कहा है कि ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह ये सब फ्रॉड धोखा है, और बल्कि ये अनएथिकल है. उसने कहा कि एक फर्म जो है वो अपने शेयर होल्डर्स को जवाबदेह है और उसको जिम्मेदारी दी गई है कि वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बनाए, और उसका काम ही यही है, उसकी एथिक्स और मोरालिटी है कि जितने ज़्यादा पैसे हो सके बनाओ और इसमें किसी चीज़ को आड़े ना आने दो. अगर आने आ गया तो तुमने अपने वो शेयर होल्डर के साथ बददियानती की. चुनांचे इसी उसूल पे बिजनेस जो है वो सिखलाया जाता है, और इसी उसूल पे वो लोग जो है वो यानी वो लोग से क्या मुराद है, हमारे आईबीए में लम्स में यही सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं. तो ये उसूल जो उनकी इकोनॉमिक्स के हैं, जो उनके बिजनेस के हैं, वो हमारे उसूलों से 100% टकराते हैं. अब हमारे यहाँ जो है वो सेल्फिशनेस एंड ग्रीड के बजाय जो बुनियाद है वो जेनरोसिटी है. सेल्फिशनेस के ख़िलाफ़ कितनी यानी अहादीस में कुरान में आया है कि ये तो कंजूसी जो है ये बहुत ही बुरी बात है और जहन्नम की तरफ ले जाने वाली है. और फयाजी को बहुत पसंद किया अल्लाह ताला ने कि आदमी जो है वो जेनरस हो और दिल खोल के दूसरों को दे और अपना ख्याल ना करे और दूसरों का ख्याल बढ़ चढ़ के करे. तो ये आप कहाँ से अपने मैक्सिमाइजेशन फार्मूला में डालेंगे. अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लन तनालुल बिर्र हत्ता तुन्फिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम अच्छाई तक नहीं पहुँच सकते जब तक तुम अब सबसे बेहतरीन माल नहीं खर्च कर दो दूसरे पे. तो बजाय मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी के हम यहाँ पे मिनिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी की बात करें. अपने सबसे जो अजीज तरीन चीज़ है, जो सबसे महबूब है, उसको दूसरों को दे दो. इससे यूटिलिटी मैक्सिमाइज होगी या मिनिमाइज होगी? तो ये इस्लाम का उसूल है. अब इसको हम कहें कि इसके साथ साथ हम यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन को भी चलाएंगे तो ये कैसे चलेगा? चुनांचे इसका असर ये हुआ कि जिन लोगों ने ये काम किया वो कुरान और हदीस को धड़ाधड़ मिस इंटरप्रेट करते रहे. चुनांचे उन्होंने कहा कि यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन, अच्छा तो कुरान में ये आयत है कि क्या कहते हैं उसको, इंसान को महबूब बना दी गई हैं दुनिया की चीज़ें और कंतर मुकंतर चांदी और सोने और चांदी और सोना और जेवर और औरतें और घोड़े ये सब चीज़ें उसको मैं देखो कुरान भी वही कह रहा है जो सैमुअल विल्सन कह रहा है. तो ये बेवकूफ़ी की बात है दरअसल. यानी कुरान में बात तो लिखी है मगर उसका मतलब वो नहीं है जो ये बतलाने की कोशिश कर रहे हैं. इन चीज़ों की मजम्मत है कि हाँ ये एक टेंडेंसी है दिल में, मगर जिस तरह से यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेशक इन नफ्स लम्मारतुन बिस्सू, के नफ्स तो हमेशा बुराई का अमर करता है. तो यानी इंसान के अंदर हदैन हम नजदैन दोनों रास्ते हैं और दोनों तरफ की टेंडेंसीज हैं. बुराई की भी चाहत डाली गई है और नेकी की भी. और ये दुनिया हमारे लिए एक इम्तहान है कि देखें कौन साइड जीतती है. और ये हमारे ऊपर छोड़ दिया गया है कि हम मेहनत करके अच्छाई को गालिब करें या हम नफ्स के धोखे में आके बुराई को गालिब कर दें. इसमें अल्लाह ताला ने हमें इख्तियार भी दिया है और हमारे आज़ाद भी छोड़ा है इस मसले में.
कई जगह पे ये बात फरमाया है कि इंसान को इख्तियार दे दिया गया है कि इन दोनों रास्तों में से कोई भी चुन ले, चाहे वो अच्छाई का रास्ता हो चाहे बुराई का रास्ता हो। तो न सिर्फ इस मौके पर, हर जगह, यानी जब लोगों ने कोशिश की कि वेस्टर्न इकोनॉमिक्स के उसूल को इस्लाम के मुताबिक बनाया गया जाए, तो उन्होंने वेस्टर्न इकोनॉमिक्स को असल माना कि ये तो पक्का है, मजबूत है, क्योंकि ये साइंस है, इसमें कोई गलती की चांस ही नहीं है। तो एक्चुअली ये फिकह का उसूल है कि मसलन कि अगर, यानी हमें ये पता चल जाए यकीनी तौर पे कि सूरज के गिर्द दुनिया घूम रही है, जैसे कि मालूम है, तो कुरान में आया कि सूरज जो है वो गर्दिश कर रहा है, तो अब हम इसको महावरतन लेंगे, क्योंकि लिटरली ये ट्रू नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये, यानी इंसान को ऐसा नज़र आता है, और ये आम मुहावरा है, आम जिंदगी में भी इस तरह कि सूरज आया, उभरा और सूरज गुरूब हो गया, हालांकि असल ये दुनिया घूम गई। तो जिस तरह से ये आम मुहावरा हम अपनी आम जबान में, उसी तरह से ये बात कुरान में इसी तरह से लिखी गई है। तो इसी तरह से मुसलमानों ने समझा कि जहाँ जहाँ वेस्टर्न इकोनॉमिक्स और कुरान में कॉन्फ्लिक्ट है, वहाँ वहाँ हम कुरान की तावील कर दें, क्योंकि वेस्टर्न इकोनॉमिक्स तो पक्की बात है। तो बात यह है कि जो वेस्टर्न इकोनॉमिक थ्योरी है वो बिल्कुल ही, यानी ए टू जेड गलत है उसकी, यानी कोई भी चीज़ कहीं से भी सही नहीं है, बिल्कुल ही, यानी गार्बेज जिसको कहा जाए। अब ये बात बहुत हैरत अंगेज़ लगती है, और मुसलमानों को इसकी समझ नहीं आई, क्योंकि आफ्टर ऑल इतने बड़े बड़े लोग हैं, इन्होंने बड़े बड़े काम कर रखे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक आदमी जो है वो, यानी कंप्यूटर्स भी बना दे, रॉकेट्स भी बना दे, माइक्रोबायोलॉजी में भी माहिर हो, और बिल्कुल ही, यानी पैदल हो इकोनॉमिक्स में। तो बात यही है कि अबू जहल जो है वो अपने ज़माने में अबुल हकम कहलाता था, यानी फादर ऑफ विजडम, तो दुनियावी मामलों में बहुत अक्लमंद था, होशियार था, दीन के मामले में बिल्कुल ही पीछे रह गया। इस तरह से कुरान की शुरू में आया कि उनसे जब कहा जाता है कि तुम ईमान लाओ, जैसा कि आम लोग ईमान लाए हैं, तो कहते क्या हम इन बेवकूफ़ों की तरह से ईमान लाएं, तो वो जो शातिर और होशियार लोग हैं, जो दुनियादार हैं, वो समझते हैं कि मुसलमान तो बेवकूफ़ हैं। तो आज भी यही मामला है कि इंसान को मादी चीज़ों के बारे में, यानी दज्जाल के बारे में है कि उसकी एक आंख बहुत तेज होगी, एक आंख से अंधा होगा, तो मादी चीज़ों के बारे में इंसान को बेशुमार इंसाइट्स हो सकती हैं, एक आदमी को कैलकुलस की इंतहा तक पहुंच सकता है, मैथमेटिकल फार्मूला, मगर इंसान के बारे में कुछ नहीं जाने। मेरा टीचर जोसेफ स्टिग्लिट्स नोबेल प्राइज़ विनर है इकोनॉमिक्स में, बहुत होशियार माना जाता है, उसकी बीवी शार्लेट स्टिग्लिट्स उसको छोड़ के किसी और के साथ भाग गई। तो अब सवाल ये है, एक और इकोनॉमिस्ट के साथ, तो कि उस आदमी को, यानी बड़ा अकलमंद है, नोबेल प्राइज जीतने के लिए, मगर उसको इंसानी, यानी अपने ताल्लुकात के बारे में ज़्यादा अकल नहीं थी ऑब्वियसली। इसी तरह से एक और मशहूर पेयर है, इसका नाम मुझे नहीं याद आया, आई थिंक लुकस, लुकस की का तो किस्सा और भी हैरत अंगेज है। उसकी बीवी ने उसको तलाक नहीं कहा कि, उसने कहा कि देखो मैं तो नोबेल प्राइज़ के लिए काम कर रहा हूँ, सुबह शाम रात मैं मशगूल रहता हूँ, तुम्हारे लिए कोई वक्त नहीं। तो उसने कहा कि ठीक है, तुमने मेरी शादी को कुर्बान किया। तो उसने लिखा कि अगर अगले 5 साल में तुम्हें
नोबेल प्राइज मिली तो उसका आधे पैसे मुझे मिलने चाहिए क्योंकि मेरी कृपा नहीं है इसमें। तो ये जब डाइवर्स एग्रीमेंट हुआ तो इस पर लिख दिया गया और 5 साल के अंदर बिल्कुल 5वें साल में उसको नोबेल प्राइज मिल गई, चुनांचे उसको आधे पैसे मिले नोबेल के। तो बात ये है कि एक इंसान का किसी एक चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात रखना ये मानी नहीं है कि उसको इंसानी मालूमात ज़्यादा है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक मकूला है जो बाइबल में आया, पता नहीं सही है कि नहीं है, मगर बहरहाल इसमें विजडम है कि अगर किसी पैगाम को जांचना हो तो उसके, किसी दरख्त को जांचना हो तो उसके फल से जांचा जाएगा। तो अगर हम सोशल साइंस को देखना चाहते हैं, यानी एक साइंस है उसकी तरक्की हम देखना चाहते हैं, तो हम देख सकते हैं कि हाँ मेरे पास ये कंप्यूटर है, ये लाइट्स हैं, ये एसी है, ये गाड़ी है, ये सब साइंस से चल रही है, तो हम कहेंगे कि हाँ इसमें कुछ ना कुछ बात है। सोशल साइंस को हम जांचना चाहें तो हम देखेंगे कि भाई सोसाइटी कैसी है, उनका माशरा कैसा है, क्या वो दुनिया में क्या हालात हैं, तो हम देखते हैं कि दुनिया में तो इंतहा दर्जे की बर्बरियत चल रही है। और यानी इंसान के बारे में, इंसानी कदरों के बारे में तो यानी बिल्कुल ही अहले मगरिब पैदल हैं, यानी एक तो होता है ज़ीरो लेवल, एक होता है नेगेटिव। तो अब मसलन ये 100 लोग जो हैं वो, 125 लोग जो हैं वो फ्रांस में मारे गए, तो सारी दुनिया में हंगामा हो रहा है। और फ्रांस वालों ने अलजज़ायर में और वहाँ मराकश में इतनी यानी जुल्म की इंतहा की कि उसको सोचना भी मुश्किल है कि कैसे कैसे उन्होंने बर्बरियत के साथ लोगों को, जो जंग आज़ादी लड़ रहे थे, कैसे कैसे उन्होंने कितने बड़े पैमाने पर लोगों को कत्ल किया। और ये लोग जो ये कर रहे हैं ये उन्हीं के बच्चे हैं, यानी वो जिन्होंने देखा अपने बाप को, अपनी माँ को कत्ल होते हुए। तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात, हैरत की बात नहीं है, यानी आदमी का दिमाग घूम जाए ऐसे वाकयात, ऐसे यानी बिल्कुल ही नहीं, इंसानियत से बईद वाकयात जो हुए हैं उनके साथ पेश आए। तो वो देख के फिर वो जो भी कर लें उनसे कोई कम नहीं। और वो 100 लोग थे, और यहाँ पे अमेरिका वालों ने बमबारी करके पूरे मुल्क इराक को ख़त्म कर दिया, उसमें यानी 1 मिलियन लोगों को कत्ल कर दिया और 40 मिलियन का 39 मिलियन की ज़िंदगी अजीरन कर दी। तो इराक जो है वो सबसे एडवांस्ड इकॉनमी ऑफ द मिडल ईस्ट था, सब लोग यानी बहुत ही आला पैमाने की ज़िंदगी गुजार रहे थे, जैसे यूरोप की एक मुल्क था वैसे ही वहाँ सैंडल। अब यानी अमेरिका ने कारपेट बॉम्बिंग कर दी उनके, यानी बिजली पानी सारे निज़ाम, हस्पताल सब यानी जानबूझ के तोड़ा ताकि ये लोग जी नहीं सकें। और चुनांचे वो लोग जो इस जान में मर्सिडीज चलाए करते थे, अब वो गारबेज में अपने बच्चों के लिए पैसे वो खाना ढूंढ रहे हैं। तो ये इतना बड़ा जुल्म हमारी आंखों के सामने हुआ, इसका कोई तज़किरा नहीं आता। 111 लोग, एक मुसलमान जोड़े ने 20 लोगों को कत्ल कर दिया, तो अब सारी दुनिया में हंगामा है। कि तो ये यानी नाइंसाफी की इंतहा। फिर चलो ये तो गैरों के साथ मामला है, अंदरूनी हाल उनका कैसा है? तो अंदरूनी हाल भी बहुत ही तबाह कुन है, क्योंकि इन लोगों ने जिस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के पेश किया वो ये है कि हर इंसान जो है वो ज़िंदगी को एंजॉय करे। ये सबसे बुनियादी पैगाम है, यानी यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन जो है यही बात आपको सिखला रहा है कि आपकी ज़िंदगी अपनी है और आप उसको मैक्सिमाइज करें एंजॉयमेंट को, और किसी की परवाह ना करें इसमें। यूटिलिटी ऑफ कंसम्पशन में किसी दूसरे का वो नहीं आता है। चुनांचे हर आदमी अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करे किसी दूसरे, किसी भी रोक टोक के बावजूद, ना माशरे की टोक, ना अम्मा अब्बा की, ना कोई जिम्मेदारी किसी किस्म की।
ये पैगाम है और ये पैगाम ऊपर नीचे दाएं बाएं मीडिया में टीवी में मूवीज में बहुत जोर शोर से शब्द मद के साथ पेश किया जा रहा है और इसको अच्छा बना के दिखलाया जा रहा है। जैसे जस्ट टू इलस्ट्रेट, यानी एक औरत है जो एक मूवी और फैमिली में है और अच्छी खासी जिंदगी गुजार रही है, उसको एक दिन ये धुन पड़ती है कि आई डोंट नो हु आई एम, सारी जिंदगी यानी मैंने अपने आप का मैंने दूसरों की खातिर मैंने काम किया तो मैं खुद क्या हूँ ये मैंने पता नहीं। तो शौहर को बच्चों को सबको छोड़ के वो चल पड़ती है कि चलो अब मैं आई विल फाइंड आउट हु आई एम, सेल्फ डिस्कवरी की, अब मैं जाके पेंटिंग करूँगी और म्यूजिक सीखूंगी ताकि मुझे पता चले कि मैं कौन हूँ। तो ये बहुत बड़ी हीरोइन बन गई क्योंकि उसने अपनी माशरी सारी जिम्मेदारियों को लात मार दी और अपनी नफसानी ख्वाहिशात पे अपनी इनफरादी जिंदगी को बनाने की कोशिश की। तो ये पैगाम जो है ये एक नहीं यानी तकरीबन हर मूवी में यही पैगाम मिलता है कि हर इंसान जो है वो अपनी खुशी की खातिर सब कुछ को तबाह कर दे, यानी सारी जिम्मेदारियां छोड़ दे सब कुछ। तो ये पैगाम बहुत जहरीला है इंसान की अपने लिए, क्योंकि दरअसल बात यह है कि इंसान को सबसे ज़्यादा खुशी इस बात से हासिल होती है कि दूसरे लोग मुझे मोहब्बत करें। अगर एक आदमी है जो दुनिया का सबसे कामयाब तरीन है, उसके पास सारे, जैसे कि है यानी हार्वर्ड ह्यूज था, वो दुनिया का सबसे बड़ा मिलियनेयर था, मगर वो पैरानॉइड था, उसका ख्याल था कि हर कोई मुझे कत्ल करने की कोशिश कर रहा है। चुनांचे उसने अपने लिए एक बहुत बड़ा सा किला बना लिया था जिसमें कोई आ जा नहीं सकता था, उसका खाना सारा पॉइजन स्नूपर्स के थ्रू जाता था और किसी को उसे मिलता नहीं था। आखिरी उसने कई साल जो है वो ऐसे आइसोलेशन में गुजारे, तो क्या उसके पैसे ने उसको फ़ायदा दिया? इसके बरक्स अगर एक हमारे यहाँ किसी गांव में बूढ़ा सा आदमी है जिसकी कोई पैसा नहीं है, कभी खाने को मिलता है कभी नहीं, मगर सब लोग उसे इज्जत करते हैं, बच्चे उसके साथ खेलते हैं और उसको यानी मोहब्बत प्यार मिलती है, बहुत ज़्यादा खुश रह सकता है। तो ये बात, अगर ऐसा होगा, अगर हम एक ऐसा माशरा कायम करें जिसमें हर इंसान खुद गर्ज है जैसा कि किया है इन लोग ने, तो ऑटोमेटिकली अगर हम किसी को नहीं चाहेंगे तो कोई हमें नहीं चाहेगा और इसका असर ये होगा कि ज़िंदगी जो है वो बर्बाद हो जाएगी। चुनांचे मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ वाकया है, दोस्त था MIT में, उसके माँ बाप की तलाक हो गई, बाप को कोई और नर्स पसंद आ गई, डॉक्टर था, और माँ ने अपनी सोशल लाइफ अख्तियार की और बेटे ने जो है वो कोशिश की, यानी मेरा दोस्ती थी उससे तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि यानी ये बेचारा मोहब्बत का प्यासा है, क्योंकि न माँ से मिली न बाप से मिली तो क्या हो सकता है और कहाँ से मिल सकती है। आखिर में उसने यानी 10-11 साल पहले खुदकुशी कर ली। तो इस तरह से यानी बेशुमार वाकयात हैं। मेरा भाई भी वहाँ पढ़ा है, उसका एक दोस्त था तो उसने बतलाया कि मैं जब 18 साल का हुआ तो 18 साल की उम्र पर लिखा हुआ है यानी कानून में अमेरिका कि जब बच्चा 18 साल का हो जाए तो अब माँ बाप की उस पर कोई जिम्मेदारी, माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं है कि उसको खिलाएं पिलाएं, कुछ भी नहीं। चुनांचे मेरे माँ बाप आए मेरे पास, 18 साल की बर्थडे हुई थी, माशाल्लाह बेटे तुम्हें हम तो बहुत चाहते हैं, हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ ही रहो, तो तुम्हारे कमरे का किराया जो है वो $100 होगा और खाना भी साथ चाहो तो उसके $50 और लेंगे मील प्लान का, और अगर तुम्हें मंजूर है तो बहुत हम खुश होंगे और अगर नहीं तो फिर रास्ता ना पाओ। तो ये यानी ऐसे माशरे में कैन यू इमेजिन कि कोई खुश हो सकता है? और ऐसा है यानी बीवी को शौहर का भरोसा नहीं कि ये कब मेरा साथ छोड़ दे, और यानी दिस इज़ नॉट, यानी मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ और मैं वो भी नहीं कह रहा हूँ, यानी दर्द से बात कर रहा हूँ, यानी कि ऐसा है और आंखों देखी हकीकत है कि वो एक औरत बहुत बन ठन के जा रही थी तो किसी ने उससे
तारीफ की तो उसने कहा तुम बहुत खूबसूरत लग रही, तो उसने कहा कि हाँ पता नहीं कब मुझे मार्केट में जाना पड़े, यानी शौहर मुझे छोड़ दे और फिर मुझे शौहर की तलाश के मार्केट में जाना पड़े। तो ये सब हालात हैं वहाँ के। अब जो बात है वो ये नहीं है कि हम उनका मजाक उड़ाएं, बल्कि बात यह है कि ये सारी बातें हमारे यहाँ आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, और हम अपने आप का यानी वो जो छुरी जिससे उनकी गर्दन कटी है वो हमारी गर्दन पे पड़ी हुई है और खून भी निकल रहा है और कट भी चुकी है। तो अब हम अपने आप को बचा सकेंगे कि नहीं, ये भी एक सवाल है जिसका कोई वाजह जवाब नहीं दिया जा सकता इस वक्त। मगर इसका जवाब आप लोगों के हाथ में है कि अगर आप पहचान लें वो वार। अभी तो मसला ये है कि इसको इस ये बड़ा मीठे किस्म का खंजर है इसके, यानी शुगर कोटेड पॉइजन है, बहुत मीठा लगता है देखने में। जैसे हदीस में आया था कि वो दज्जाल आएगा तो वो उसके एक हाथ में जन्नत होगी एक हाथ में जहन्नम होगी, और जो उसकी जन्नत होगी उसमें वो जो लोग उसकी अतात करेंगे उसको डालेगा, और जो लोग उससे इनकार करेंगे वो अपनी जहन्नम में डालेगा। मगर उसकी जन्नत जो है वो असल में जहन्नम होगी, और उसकी जहन्नम जो है वो असल में जन्नत होगी। तो आज यही बिल्कुल ऐन ही यही मामला है कि एक बहुत खूबसूरत धोखा हमें पेश किया जा रहा है कि ये है ज़िंदा रहने का तरीका, इन्जॉय लाइफ, जीने का मज़ा। और वो है बहुत ख़तरनाक। जैसे मैं एक हमारे ज़माने में कैमल सिगरेट का इश्तहार होता करता था, उसमें जो है वो एक आदमी होता था वो घोड़े पे सवार होता था, बीच होता था, बहुत हसीन मंजर होता था, उसके बाजू के घोड़े में हसीन आलम भी बैठी होती थी। तो यानी जो और वो सिगरेट पे कश लगा रहा होता था। तो वो बात ये है कि ये जो एडवर्टाइजमेंट है ना ये दिमाग प्रोसेस नहीं करता है, ये बहुत अहम बात है। ये डायरेक्ट पिक्चर जो है वो दिल में उतरती है। तो वो जो पैगाम जो है वो फ़ौरन पहुँच गया कि तुम सिगरेट पियो तो तुम्हें हसीन आलम भी मिल जाएगी, घोड़े भी मिल जाएंगे, और ये हसीन मंजर भी तुम्हारा ही है। और तो ये है जो इश्तहार बतला रहे हो, हकीकत क्या है, तुमने कश लगाई और तुम्हारे कैंसर हो जाएगा और तुम जो कैंसर से मर जाओगे, वो हसीना भी नहीं आता है कि और वो मंजर भी नहीं आता है। तो बात ये है कि एग्जैक्टली यही माजरा है कि जो चीज़ बहुत ही खूबसूरत बना के पेश की जा रही है वह है बहुत हौलनाक और बहुत ही ख़तरनाक, मगर हमारे नौजवान इससे आसानी से नहीं बच जाएंगे। क्योंकि वो हदीस में आया है कि अल्लाह ताला ने जन्नत बनाई और जहन्नम बनाई, और फिर जिब्रील को हुक्म दिया कि जाके देखा। तो जिब्रील ने कहा कि ये जन्नत तो ऐसी जगह है कि कोई भी अगर इसकी खबर पा लेगा तो वो सब कुछ कर लेगा, वह यहाँ पहुँचने की कोशिश कर जाएगा, पहुँच जाएगा किसी तरह से। और जहन्नम ऐसी जगह है कि कोई भी इसकी खबर पा लेगा तो इससे वो सब कुछ कर लेगा और इससे बच पाएगा। फिर अल्लाह ताला ने जहन्नम का रास्ता जो है वो सारी ये दुनिया की अट्रैक्शंस से उसका रास्ता बना दिया, और जन्नत का रास्ते पर सारी जो अतात की जो मुश्किल हैं उससे भर दिया। तो फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा अब तो मुझे डर है कि कोई भी जहन्नम में से नहीं बच सकेगा और कोई भी जन्नत तक नहीं पहुंच सकेगा। तो ये है मसला। और जो इस्लामिक इकोनॉमिक्स है वो असल में 100% अपोज्ड है। मेरे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं और इस मौजू पर, और बल्कि एक पूरा इस्लामिक इकोनॉमिक्स में कोर्स है ऑनलाइन, तो वो अगर आप लोग देखेंगे तो इंशाल्लाह कुछ इस मौजू के बारे में